कांग्रेस पार्टी के द्वारा तारामंडल स्थित एक निजी हॉल में निषाद समाज प्रतिनिधि संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निषाद समाज के प्रतिनिधियों से संवाद किया, जिसके संबंध में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि निषाद समाज संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था तथा समाज के जन प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बात सामने रखी, जिसमें किसी ने सरकार बनने पर आरक्षण की मांग की तथा किसी ने विधानसभा चुनाव में सीटों की मांग। उन्होंने कहा, समाज के द्वारा जो भी मांगे की गई है उसके समाधान के लिए कहा गया है तथा प्रदेश में सरकार बनने पर बालू मिट्टी का अधिकार वापस किया जाएगा तथा पार्टी में बराबर प्रतिनिधित्व मिलेगा। उन्होंने कहा, निषाद समाज अब जाग चुका है तथा सरकार बनते ही मछुआ बोर्ड का गठन किया जाएगा तथा मछुआ नीति भी लाई जाएगी व कृषि का दर्जा भी दिया जाएगा, जिस तरह छत्तीसगढ़ सरकार में है। उन्होंने कहा कि निषाद समाज के आरक्षण को कांग्रेस के घोषणा पत्र में सम्मिलित किया जाएगा तथा समाज के हर वर्ग के समस्याओं की आवाज कांग्रेस पार्टी उठा रही है। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान, महानगर कांग्रेस आशुतोष तिवारी, देवेंद्र निषाद सहित भारी संख्या में निषाद समाज के लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, गोरखपुर की जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान जी का मंच, सारी बातें आपके समाज के बारे में यहाँ पर रख दी गई है। अब आपके नेतृत्व करता मछुआ समाज के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र निषाद जी को आमंत्रित करता हुए आए एवं स्वागत एवं अपना स्वागत आदरणीय माननीय भूपेश बघेल जी का गुरु मछिंद्रनाथ की धरती पे हाथ उठाए। साहिब तिवारी जी, प्रमोद शुक्ला जी, आलोक शुक्ला जी, विनोद त्रिपाठी, यही बात कि जिस सीट के लिए आप सभी आए हैं माननीय मुख्यमंत्री, सर्वप्रथम तो मैं आज जो अपने मुंह पर छत्तीसगढ़ से आए हुए माननीय जो है कुंवर सिंह, कुंवर सिंह हमारे कुंवर हरिदास जी,
मैं 87 लाख कांग्रेस का पूर्वज हूँ और वो एक गैर सामान्य परिवार के हैं, लेकिन हम लोग की मित्रता एक बड़ी हाई हुई है जैसे इन दिनों में, इसलिए मैं समझता हूँ वहाँ किसी भी बात की। मैं चाहता हूँ ये समाज आजादी के बाद और आजादी के पहले दोनों आई लोग रहा था कि भारत देश आजाद होगा, हमको अधिकार मिलेगा, वो अधिकार तो मिला। जो प्रथम कांग्रेस की सरकार बनी उसमें किसान समुदाय के जल नदी पर्वतों पर चढ़ा अधिकार दिए गए, जिसमें उनके रोजी रोटी से लेकर के पुश्तैनी चलती रही, लेकिन बाद में जो भिन्न भिन्न सरकारें कांग्रेस के बाद मिली उन अधिकारों को खाती गई और इतना खा गई कि अब निषाद खाने भर का अनाज पैदा नहीं कर रहा है। इसलिए वो निषाद चाहता है कि वो पुरानी कांग्रेस जो इस देश में सत्ता से लेकर के समता का विचार रखती थी वो आ जा करके निषाद के लिए निषादों को संगठन से लेकर के सत्ता तक भागीदारी की बात करे और उनको जो है आज वो ये मछली पालन का उद्योग जिसको कहा जा रहा है, जैसे आपने अपने प्रदेश में इसको कृषि का उद्योग दे दिया है, जितने भी प्रदेश कांग्रेस के साथ स्थित हो उसमें जो है कृषि का दर्जा दिया जाए। किसान समाज के लिए क्या कर सकते हैं? दूसरी बात अपना स्थान प्रदान करें। बैठिए वकील का, बैठिए बैठिए, आपका सवाल करें। बहुत अच्छा सवाल, इतिहास से भी जुड़ा और वर्तमान की स्थिति। सबसे पहले मंच में बैठे हुए सभी हमारे साथीगण, पार्टी के पदाधिकारी, समाज के लोगों, उपस्थित सभी किसान समाज के भाइयों, बहनों, युवा साथियों, मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यदि किसानों के इतिहास के बारे में मैं जवाब तो दूंगा, लेकिन इतिहास की बात करें, ऐसा कोई युग नहीं है जिसमें निषादों का उल्लेख ना हो, चाहे वो सतयुग की बात हो, चाहे त्रेता युग की बात हो, चाहे द्वापर युग की बात हो। त्रेता के बारे में तो आप जानते हैं, तुम्हारा निषाद के बारे में बताने यदि महाभारत के बारे में बात करें तो निषाद रूपी सत्यवती न होते तो न कौरव होते, न पांडव होता, न महाभारत होता। यदि हिंदुस्तान के वर्तमान इतिहास के बारे में देखें तो जो बड़े बड़े शहर हैं, बसे हैं, वो निषादों ने बसाए। आप यदि आज जिसे चेन्नई कहते हैं, किसका सर बड़ा शांत रहे भाई, भाई साहब, ओ भाई साहब, भैया आपको पसंद। मेरे छत्तीसगढ़ में यदि बिलासपुर है, बिलासा बाई केवट ने उसे बसाया है। पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर कहलाती थी, रतनपुर से 18 किलोमीटर दूर वो शहर बसा है, तो बिलासा की ओर से बसा है, इसलिए बिलासपुर नाम पड़ा और उसको सम्मानित करते हुए आज बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट इस बिलासपुर में उसका नामकरण किया। हमारी सरकार ने तो समाज को सम्मान नहीं किया, लेकिन मेरी भावना थी वो महान नेत्री जिन्होंने शहर बसा दिया था, कैसी रही होगी, इसके नाम से बिलासपुर है तो एयरपोर्ट भी उसी नाम से होना चाहिए। आज दोस्तों एक और बात मैं कहना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, शायद आप लोगों को ये बात की जानकारी होगी, कुछ लोग यहाँ पढ़े लिखे लोग भी हैं, इतिहास के जानकार लोग भी हैं, धर्म से जुड़े हुए लोग भी हैं। आज भी हम धर्म के आधार पर बात करते हैं, एक समय था जब हिंदुस्तान में मुगल आए, मुसलमान आए, उसके बाद अंग्रेज आए, और वो दौर था जिसमें सारे धर्म के लोग अपने आप को श्रेष्ठ बताने में लगे थे,
हिंदू कहता था मैं श्रेष्ठ हूँ, मुसलमान कहता था मैं श्रेष्ठ हूँ, मुस्लिम धर्म वाले कहते मैं श्रेष्ठ हूँ, क्रिश्चियन वाले बोलते मैं श्रेष्ठ हूँ। उस बीच में एक संत हुए जिसका नाम रामकृष्ण परमहंस, इसको सब लोग जानते हैं। ऐसा कोई है जो नहीं जानता, सब लोग जानते हैं ना, जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस, वो व्यक्ति जिन्होंने पूरी दुनिया में पहली बार उद्घोष किया कि जिस प्रकार से नदियां कहीं से भी निकले वो समुद्र तक पहुंचती है, जिस प्रकार से तालाब के किसी घाट से पानी पीजिए सबका स्वाद एक रहता है, उसी प्रकार से किसी पंथ से, किसी संप्रदाय से, किसी रास्ते से, किसी तंत्र से आप आराधना करें, प्रार्थना करें, साधना करें, पहुंचता एक ही जगह है। ये घोष करने वाला कोई संत है तो रामकृष्ण परमहंस। ये रामकृष्ण परमहंस कौन है? काली की मूर्ति के पुजारी, सब जानते हैं बात, काली मंदिर था उसके पुजारी में चले गए, लेकिन वो काली मंदिर किसका था ये कौन बताएगा? रानी कौन थी? वो निषाद थी, वो निषाद जोरदार ताली बजा के उनके जो दाग लगा हुआ है उसे मैं मिटाना चाहता हूँ, उस तालाब का मालिक बनाना चाहता हूँ। इसलिए सबको संपर्क करने की विजन देने के बाद तो सब काम कर रहे हैं ताकि जो मछुआ समाज जो अपने बांह के भरोसे जो मेहनत करके अपने परिवार पालता है उसे भी सम्मान मिलना चाहिए, सत्ता में उसकी भी भागीदारी होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के खजाने में भी निषाद समाज के लोगों का हिस्सेदारी होना चाहिए, वही हिस्सेदारी यहाँ भी मिलना चाहिए। ठीक है, आपके विधायक बन गए, सांसद बन गए, लेकिन आपके लिए नीति बनी क्या? आपके लिए कोई कार्यक्रम बना क्या? कुछ नहीं। अच्छा है हमारे विधायक और सांसद बन गए, और भी बने, ज्यादा बने, लेकिन सवाल इस बात का समाज का मतलब तब होगा जब आपके हिसाब से नीति और सांसद के कार्यक्रम बने और वो लागू। इस बात से आप सहमत हैं? सर जी, महेंद्र निषाद की तरफ से जिस तरह से आपने भागीदारी छत्तीसगढ़ में दी है, 2012 के चुनाव में गोरखपुर मंडल जो है निषाद बहुत है, लगभग ऐसी कोई सीट नहीं है जहाँ पे 1 लाख की आबादी निषादों की न हो। गोरखपुर मंडल से 2012 में एक टिकट दिया गया, वो भी लास्ट नुमाइंड निषाद लड़ रहा था, मुंबई के एक अभिनेत्री काजल निषाद उनको ला के लड़ाया गया। 2017 में कोई टिकट नहीं इस मंडल से दिया गया। मैं चाहता हूँ कि शुरुआत निषादों का यही से आप टिकट देके शुरू करिए, एक टिकट यदि आप इस मंडल में देते हैं चाहे इस बगल के जिले में देते हैं तो मुझे लगता है कि आप 3 सीट जीतेंगे। जो काम आपने छत्तीसगढ़ में किया वही काम मैं चाहता हूँ आप उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बैठे हुए हैं, प्रभारी भी बैठे हुए हैं, सुन रहे होंगे मेरी बात, और आप जो कह रहे हैं आप जो मुंह में घिसक कर दिया। सोसाइटी का प्रदेश अध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे ये कहना है कि विमुक्ति जाति के रूप में इस पूरे देश में हर प्रदेश में हमारे समाज के लोगों को कुल 500 से ज्यादा जातियों के रूप में उन्हें विमुक्ति जाति में रखा गया है, लेकिन विमुक्ति जाति में रखने के साथ साथ उसे किसी जनपद में बैकवर्ड में रखा गया, किसी जनपद में उन्हें विमुक्ति में रखा गया तो किसी जनपद में उन्हें अनुसूचित में रखा गया, किसी जनपद में अनुसूचित जनजाति का रखा गया। नतीजा ये निकलता है कि हमारे समाज के लोगों को किसी एक जाति का कोई लाभ नहीं मिलता, यानी जिस जाति का लाभ लेना चाहते हैं, जिस कैटेगरी का लेना चाहते हैं, अधिकारी कहता है आप इस कैटेगरी के नहीं, आप फला कैटेगरी के हो, अर्थात मेरे समाज को ये लाभ नहीं मिल पाता है। मैं आपसे चाहता हूँ कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकारें हैं जिस प्रदेश में हैं, अगर आप अनुसूचित जाति का सीधे लाभ नहीं दे सकते तो आप उन जाति के लोगों को, हमारे मछुआरा जाति के लोगों को उस प्रदेश में एक जनपद में
में जिस कैटेगरी में रखी गई है उसे पूरे प्रदेश में उसी कैटेगरी में रख करके अर्थात विमुक्ति जाति का लाभ आप दें। दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि हमारे समाज के लोगों की स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में हम किसी जनपद में विमुक्ति में है केवट है तो अगले जनपद में मल्लाह है, फिर वहाँ केवट नहीं है, फिर अगले जनपद में राजभर है। ये इस तरह की असमानताएं आपके दूसरे प्रदेशों में भी है। उन असमानताओं को दूर करने के लिए, उत्तर प्रदेश के निषादों को विश्वास दिलाने के लिए आपकी हुकूमत जहां है वहां विमुक्ति जाति के लोगों को, जितनी भी जातियां उसमें रखी गई है, सभी जातियों को समान रूप से उन प्रदेशों में आप सुविधा प्रदान कर दीजिए। उत्तर प्रदेश में बेसुध समाज का बनेगा। लेकिन एक साथ इसके साथ एक और हमारा प्रश्न है, चूंकि उत्तर प्रदेश में जब से कांग्रेस पार्टी केवल निषाद समाज को अपना वोट का ही वो संसाधन समझा है, तब तक तो जब तक गंवार थे ये हक अधिकार नहीं समझते थे, उपयोग में आए उनका बेस वोट बने। लेकिन जैसे ही राजनीतिक चेतना सामाजिक चेतना इनके अंदर जगी, तैसे ही एक कांग्रेस से हिस्सेदारी जब मांगने लगे तो कांग्रेस पार्टी इस जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व में हिस्सेदारी नहीं दिया, जिसके कारण ये समाज कांग्रेस से हटा और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नेस्तनाबूद हुआ। मैं चाहता हूँ ये 18% आबादी रखने वाली जाति को, अगर आप 18% इस प्रदेश में अभी चुनाव होने जा रहा है, आपने अगर टिकट वितरण कर दिया, उन्हें राजनीति में हिस्सेदारी दे दिया, तो दावे के साथ कहता हूँ पूर्व की भांति ये समाज आपके साथ लग करके बेस वोट बन जाएगा और आगे दीर्घकालिक रूप से कांग्रेस पार्टी में हमारे लोग रह करके नेतृत्व करेंगे और हमारे समाज का चौमुखी विकास हो सकता है। इस वजह से मैं चाहूंगा आप इस संदर्भ में जो अन्य प्रदेश में आपका शासन है वहाँ आप जो है इस तरह के कानून लागू करें। बहुत अच्छे सवाल के भाषण नुमा सवाल था, बड़े विस्तार से सवाल पूछा गया। पहला सवाल जहाँ तक मुझे स्मरण है कि विभिन्न जनपदों में हमारा निषाद समाज जो है उसको अलग अलग वर्गों में रखा गया, कहीं अनुसूचित जाति है, कहीं पिछड़े वर्ग है, कहीं विभक्ति और भी उसमें रखा गया है। देखिए आरक्षण दो प्रकार से हुए, एक भारत सरकार के इन्होंने आरक्षण की तालिका है, दूसरा राज्य सरकार की सूची है। राज्य सरकार में बहुत जगह न केवल अभी जैसे कि आपके उत्तर प्रदेश में होता है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने विभिन्न जातियाँ जातियों के लोगों को कहीं अनुसूचित जाति में है, कहीं जनजाति में है, कहीं पिछड़े वर्ग, और ये विसंगतियाँ वो सर्वे में इतने कारण थे जैसे आप किसान मल्ला जिन अलग अलग राजभर जैसे लिखते हैं, उसी प्रकार से अन्य प्रांतों में भी एक ही समाज होने के बाद भी अलग अलग टाइटल लिखने के कारण से उसके अलग अलग प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था हुई है। और कुल मिला के बात ये है कि उस समय समाज हमारा संगठित नहीं था, समाज संगठित नहीं होने के कारण से एक साथ अपनी बात नहीं रख पाए, अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाए और इस कारण से अशिक्षा दूसरा कारण और संगठन नहीं होना पहला कारण और इसका खामियाजा हम लोगों को भोगना पड़ा। और ये पूरे हिंदुस्तान में अनेक प्रांतों में है, न केवल निषाद समाज में बल्कि अन्य समाजों में भी ये स्थिति निर्मित है। इसलिए फिर से हम लोगों को पुनर्विचार करना चाहिए केंद्र के स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर। राज्य के मामले में जहाँ तक है उसमें हमारे दो महाभाव यहाँ बैठे हैं जिसको जिम्मेदारी पार्टी की दी गई है और ये लोग निश्चित रूप से अपनी बात प्रदेश में रख रहे हैं और उन सबको एक साथ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि अलग अलग जगह अलग अलग नहीं होना चाहिए। पूरे प्रांत भर में जितने भी मछुआ समाज है निषाद समाज है उसको एक साथ एक ही जैसी व्यवस्था होनी चाहिए और इस बात से मैं सहमत हूँ और निश्चित रूप से इस बात को घोषणा पत्र को शामिल करेंगे।
ही राज्य है, तो इसके लिए भी जोरदार एक बार ताली बजा दें। दूसरे पार्टियों में जाकर विलय करके और हमारे समाज को बेचने का कार्य कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में निषाद चेहरा एक मुख्यमंत्री का मिल जाए तो हमारे समाज झंडा डंडा बैनर पैसा लेकर के इस कांग्रेस के साथ रहेंगे और हम हर स्तर से मदद करेंगे। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत डाउन है और कांग्रेस की भी दुनिया पार हो जाएगी और निषाद समाज का मंशा भी पूरा हो जाए, चाहे किसी प्रदेश से, बस निषाद समाज का चेहरा मुख्यमंत्री का हो। मेरा यही समाज उत्तर प्रदेश में भी सुरभी समाज में भी नेतृत्व नहीं है। अब बेदी बाबू हो गए, सोनेवाल जी भी गए और लोग भी हो, अल्लाह तो प्यारे हो गया, आप नेतृत्व भी जैसी स्थिति आपके समाज में अब नेतृत्व उभर रहा है तो वो लोग फिर अभी जो बातें आपसे कहें वो मैं नहीं कर सकता है ना, चंदा चला रही है और क्या क्या जो बोल रहे हैं, लेकिन विचार कुछ बन सकता नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है उसे उभारना, उसको स्वीकार होना चाहिए। अभी मैं आपसे पूछ दूँ कि किसको मुख्यमंत्री के लिए घोषित करूँ, तभी विवाद हो जाए। मैं नाम ले दूंगा तो वो दरवाजा उस पार क्रॉस नहीं कर पाए, तो पहले नेतृत्व पैदा करिए, निश्चित रूप से अवसर आएगा तो वो भी होगा। ये बात मैंने आपके बिहार में कहा है कि पर्याप्त मात्रा में निषाद समाज को टिकट दी जाएगी, ये मैंने आपको कहा है। लेकिन जिसको जिसको जीता है विधायक बनने में मेरे सबसे बड़ा रोल किसान परिवार के लोगों का रहा, क्योंकि नदी के किनारे रहता हूँ और बंधे की लड़ाई और अभी खनन की लड़ाई मैंने सरकार से लड़ी थी। 17 दिन देवरिया जेल भी काटा था, खैर जेल से तो मेरा पुराना रिश्ता ना था, आना जाना लगता रहता है, ये तो मेरा अपना पुराना जेल का अनुभव है। गोरखपुर जेल में भी रहा हूँ, जब पटोला में गोली कांड हुई थी किसानों के लिए, जिस समय किसान अपना बकाया गन्ने का मूल मांग रहा था, उस समय यहाँ छात्र संघ का मैं स्टूडेंट प्रेसिडेंट था, उस समय मैं 22 दिन गोरखपुर जेल में रहा। तो जेल से तो रिश्ता नाता है, लेकिन उस पट्टे को सरकार मुख्यमंत्री पूरी ताकत लगा लिए, मैंने बालू खनन नहीं होने दिया और उस पट्टे को सरकार को निरस्त कर दिया। निश्चित तौर से समय आया है, अपने अधिकार को समझिए, परिवर्तन की लहर चल रही है। हमारी राष्ट्रीय नेता प्रियंका जी ने ट्वीट करके उन्हें मोबाइल किया, उनको मैं सम्मानित करने के लिए आमंत्रित करता हूँ, वे आए माननीय मुख्यमंत्री जी से साल भेंट कर सम्मानित करें। हमारी संध्या निषाद अरे ऑन साइड जाती हैं उसके लोग भी आए थे और बहुत ही सार्थक चर्चा, एक संवाद समाज के विभिन्न व्यक्तियों के साथ के उनके जो सवाल थे और उनके समाधान की बात हुई है। और कांग्रेस पार्टी लगातार इस समाज के लगा करती आ रही है, चाहे बालू मिट्टी में इनको जो अधिकार है, हमारी सरकार बनी तो फिर से इनको वो अधिकार वापस किया जाएगा। समाज के प्रतिनिधित्व देने की बात है तो निश्चित रूप से अजय लल्लू जी ने आश्वस्त किया पूरे समाज को कि बराबर प्रतिनिधित्व मिलेगा और जो लोग लगातार समाज को भावनात्मक शोषण करके उसे वोट लेते रहे, अब समाज सजग हो चुका है, जाग चुका है, वो प्रतिनिधित्व भी चाहते हैं और समाज के लिए नीति भी चाहते हैं, तो मछुआ बोर्ड का भी गठन उत्तर प्रदेश में किया जाएगा जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने किया है। मछुआ नीति भी लाई जाएगी और कृषि का दर्जा भी दिया जाएगा। आरक्षण के मामले में निश्चित रूप से वो सारी बातें हैं
वो हमारे घोषणा पत्र में सब शामिल होगा। जब घोषणा पत्र जारी होगा तो उसे सम्मिलित किया जाएगा। सवाल इस बात का केवल आप टिकट भर दे दें उतने भर से बात नहीं बनेगी, उतने से संतुष्ट नहीं है कोई भी समाज। अब तो समाज जो है जो काम करते हैं, जो उनका रोजगार धंधा है, उसके हिसाब से नीतियां बने, और वो काम केवल कांग्रेस कर रही है, चाहे वो किसान का मामला हो, चाहे वो महिलाओं के मामले में हो, चाहे युवाओं के मामले में हो, चाहे वो फिशरमैन की बात हो। थोड़ी इंतजार करिए, उसके टिकट की घोषणा मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल उसके जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलेगा, ये मैं कह सकता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म की बात करती है और सपा है वो जाति की बात करती है, लेकिन उन वर्ग के लोगों के समस्याओं को कोई एड्रेस ये लोग नहीं कर रहे हैं। उनके समस्याओं को विभिन्न जाति, चाहे वो बुनकर हो, चाहे किसान हो, चाहे वो फिशरमैन हो, इन वर्गों के, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, इनकी समस्याओं को यदि कोई एड्रेस कर रही है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है और उनके नेता प्रियंका गांधी जी कर रही है। ठीक है।